प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है एलपीसी ग्रुप के यूट्यूब चैनल एलपीसी ऑनलाइन स्टडी में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कुछ संख्याओं के बारे में, जैसे क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, या क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं, अनुवर्ती संख्याएं, ठीक है ना। तो छोटी मोटी चीजों को आज सीखेंगे। तो बात करते हैं क्रमागत पूर्णांक के बारे में। बात करें तो ऐसे पूर्णांक ये ऐसी संख्याएं, हम इसे संख्याएं बोल सकते हैं, क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्या क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, जो क्रम से आने वाले संख्याएं होती हैं, क्रम से आने वाली संख्या होती हैं, उन्हें क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। जैसे कोई हम क्रम लेते हैं, जो हमारा संख्या है 21 के बाद क्या आएगा, 22, 23, 24, 21 के बाद 22, 23, 24 प्रकार से आएगा, ठीक ना। तो ये क्या क्रम से आ रही है, तो उन्हें क्रमागत बोलेंगे। अब क्वेश्चन में आता है कि पहली 5 क्रमागत संख्याएं या पहली 3 क्रमागत संख्याएं, ठीक ना, तो हम कैसे लिखते हैं। तो दो तरीके लिखने के, पहला क्या है, हम इसके आधार पर लिखेंगे, इनमें अंतर कितने का, 1 का, इनमें 1 का, 1 के अंदर चल रहा है, हम लिखेंगे। मान लिया पहला संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1, 1 प्लस हो रहा है, तीसरी क्या हो जाएगी, इसे 1 प्लस करेंगे फिर दोबारा से, तो x प्लस 1 2, x प्लस 3, इस तरह से हो जाएगी। आप जितनी कहोगे 1, 2, 3, 4, 5 आप लिख सकते हो, ठीक ना। एक तो तरीका ये लिखने का क्रम से संख्या होगा, और आप सौ तरीका लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि आपको 3 लिखनी है, तो 3 लिखनी आप क्या करोगे, a माइनस डी ए और a प्लस डी, क्या लिखेंगे, a प्लस डी। आप इस प्रकार के 3 क्रमांक संख्याओं को लिख सकते हो, ये भी 3 क्रमांक संख्या है और ये भी है, इस सिंपल वे में लिखी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा इजी पड़ता है निकालने के लिए, इससे मैट्रिक जो बनती है, मोस्टली जो ट्रिक बनी हुई है वो इसके यूज से बनी हुई है, ठीक है। ऐसे 5 लिखनी है, तो 5 लिखने क्या करेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से क्रम बनाते जाएंगे 5 के लिए, ठीक ना। और इस क्रम में क्या करते हैं, सिंपल जोड़ जोड़ चले जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी करते हैं। तो इस क्रम से आने संख्या का तरीका लिखने का, क्रम से आने संख्या हम किस प्रकार से लिखते हैं। अब सवाल आता है कि कोई कहते हैं क्रम से आने वाली हमें सम संख्या लिखनी, क्या लिखनी, केवल सम लिखनी है। तो समझेंगे क्या होती है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सम संख्या है, तो इनके भी डिफरेंस कितने का है, 2 का है, इनके डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो मान लिया पहली संख्या एक्स है, तो दूसरी क्या होगी, एक्स प्लस 2 हो जाएगी, अगली क्या होगी, एक्स प्लस 4 हो जाएगी, एक्स प्लस 6 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, क्रम से आने वाली सम संख्याओं को इस प्रकार से लिखेंगे, कोई निर्देश दो दो का होता है तो दो दो और प्लस करते जाएंगे तो हमारी संख्याएं निकलती जाएंगी, ठीक ना। अब विषम की बात करें तो विषम संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का ही होता है, तो बात करें 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्या इस तरह से आती हैं। तो सब में डिफरेंस चेक किया, इसमें 2 का है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो कैसे लिखेंगे, सेम वही तरीका, एक्स पहली मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 2, अगली एक्स प्लस 4, अगली एक्स प्लस 6, इस तरह से हम चलते जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपके लिए किसके लिए था, विषम संख्याओं निकालने के लिए था, ये सम संख्याओं के लिए।
और पूर्णांक लिए लिखने के क्रम हमने पढ़ा था कि किस तरह से पूर्णांक क्रम लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सही में आया होगा, इस तरह से हम इसमें करते जाएंगे। अगर हम इसे उस फॉर्म में लिखे ये वाले में तो कैसे लिखेंगे, किसको सम संख्याओं को तो हम लिखेंगे a माइनस टू डी कॉमा a a प्लस टू डी, हम इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a लिखे बीच में a माइनस टू डी a प्लस टू डी, तीन संख्या से लिखेंगे। और आगे बढ़ानी हो तो यहां हम क्या कर देंगे, a प्लस फोर डी हो जाएगा, यहां पर यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस फोर डी, इस तरह चलेगा। तो क्या होंगी संख्या, ये संख्या आपकी कैसी होंगी, सम संख्या है। और सेम यही चीज यहां लिखी जाएगी, क्योंकि सम के लिए और विषम के लिए एक ही कंडीशन होती है, सेम कंडीशन है दोनों में, देखिए ठीक है, दोनों एक ही तरीके से लिखते जाते हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, दो का डिफरेंस होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब बात करते हैं हम पूर्ववर्ती संख्या के बारे में, किस बारे में, पूर्व संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या, किस संख्या के ठीक पहले कोई संख्या है उसके ठीक पहले संख्या आती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लिखा है सिक्स, तो सिक्स से पहले कौन आता है, फाइव, ठीक है ना। तो सिक्स की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी, बराबर फाइव, वो संख्या ठीक पहले संख्या आती है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे लिखा है 193 की पूर्व संख्या बात करेंगे तो 192 आएगा, 193 की 192 होगी, को हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो लिख दिया क्या होता है, जो संख्या दी होती है वन को माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो ये संख्या निकल के आ जाती है, जो हमारी एक्चुअल संख्या गिवन होती है उसमें वन को माइनस करते हैं, किसके लिए, पूर्ववर्ती संख्या के लिए। तो पूर्ववर्ती संख्या सही में आ गई आपको। अब बात करते हैं अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या के बारे में। तो जिस प्रकार से पूर्व संख्या हमने क्या बताई थी कि जो संख्या पहले आती है, ठीक ना, उसे हम पूर्व संख्या बोलते हैं, और जो बाद में आती है उसे बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। ये बात करें सिक्स की अनुवर्ती अनुवर्ती संख्या क्या हुई, तो हम क्या करेंगे, सिक्स में एक जोड़ देंगे, जोड़ने पर संख्या आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, सिक्स की अनुवर्ती संख्या बोलेंगे, ठीक ना। कोई संख्या और है, जब 199 है 199 की अनुवर्ती पूछे, अनुवर्ती संख्या, तो क्या करना है आपको, सिंपल 199 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अनुवर्ती संख्या निकालते हैं। और अनुवर्ती का दूसरा नाम होता है परवर्ती संख्या, जब या तो एग्जाम में अनुवर्ती लिखा आता है या परवर्ती लिखा आता है, बट ठीक बाद वाली अनुवर्ती होती है और ठीक पहले वाली पूर्ववर्ती संख्या होती है, ठीक ना। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, और अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक ना, जो टॉपिक पहले रह चुका था। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं कि जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर हो, वन हो, या फिर सिंपल ये कहें ऐसी संख्याओं के पेयर को हम अभाज्य सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिनका एचसीएफ वन हो। जैसे हम बात करें 2 और 5 की, हम 2 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे, इनके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर में केवल 1 कॉमन आएगा, एचसीएफ का क्या आएगा, इनका एचसीएफ 1 आएगा, 2 5 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो दो पेयर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और पेयर है, जैसे लिया हमने 4 और 7 लिया,
तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा, या एचसीएल मिलकर भी क्या होगा, वन होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं समवाह संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं, बहुत सारे पेयर बनेंगे आपके। तो विद्यार्थियों आज हमने क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं पढ़ी, क्रमागत सम संख्याएं पढ़ी, क्रमागत विषम संख्याएं पढ़ी, पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं और समवाह संख्याएं के बारे में जाना। और एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आप जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ठीक ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।